and my things, but I gain my devotion to their well-being and growth for everything. Anon I am happiness, Captain Headlock. बाद मंच पे आमंत्रित करेंगे हम प्रीति इसके बाद मंच पे आमंत्रित करेंगे हम प्रीति इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यदुवंशी मैम को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यदुवंशी मैम का। ये बाल विदुषी कथा वाचक अनन्य शर्मा हमारे ही विद्यालय के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम की सुपुत्री है, लेकिन इन्हें कभी भी हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित नहीं किया, तो आज हम चाहेंगे कि उन्हें हम अपने विद्यालय में यहाँ करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। और ज्ञान की बातें बताकर हमारा भविष्य उज्जवल बने। आज 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, जो एक महान शिक्षक और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षक के सम्मान में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और हमें सफलता तक पहुँचाने में सहायता भी करते हैं। और आपके बताए गए रास्ते पर ही चलकर हम अच्छे करते हैं। आप शिक्षक के छात्रों के लिए प्रेरणा के सहारा हैं। आप सभी शिक्षकों को बधाई। बाद हम नेहा मैम को आमंत्रित विद्यालय में। प्रेरिता मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसके बाद अंजलि मैम को आमंत्रित करेंगे हम स्टेज पर। इसके बाद शानिया मैम को आमंत्रित करेंगे। रक्षा मैम आप आमंत्रित हैं स्टेज पर। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। अपने गुरु के सम्मान में आप इतना तो कर सकते हैं ना।
आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर? इसके बाद मेघा अग्रवाल मैम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहिए। जोरदार तालियां। सुधीर शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहेंगे सम्मानित। इसके बाद तमन्ना मैम को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे। इस मैम का मंदिर से जो बनाए हमें इंसान और वे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को करते हैं हम शत-शत प्रणाम। हमारे डायरेक्टर सर के लिए हम सभी ने टाइटल रखा है फादर ऑफ सीसीए, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारी प्रिंसिपल मैम के लिए हमने टाइटल रखा है मदर ऑफ सीसीए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर के सम्मान के लिए हमारी स्कूल कैप्टन आई
We'll be right back.
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और चाइल्ड केयर अकादमी की परंपरा के अनुसार शाला प्रबंधन एवं बच्चों के द्वारा शिक्षकों के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा था, जिसे पूर्ण भारतीय परंपराओं को साथ में रखते हुए और बच्चों के अंदर शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना जो आजकल कम हो गई है उसे पुनर्जागृत करने का एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है, जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किस तरह से तैयारियां की थी पूरा फेडरेशन करने के लिए? जी, ISTF इंटरनेशनल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर सेंटर, इसके लिए हमने बहुत छोटी सी तैयारियां की थी, बहुत छोटे से मैंने खेला आज और तो इसका परिणाम है कि इसमें मेडल आया। किन चीज़ों का ध्यान रखा गया था जब तैयारियां चल रही थी और कहाँ पर तैयारियां की थी? बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे खेलना है, क्या टेक्निक्स है, क्या रखना है, और सब चीज़ों का ध्यान रखा। और इसके साथ साथ देवास में रह के होशंगाबाद में रह के तैयारियाँ, इसका मैं क्रेडिट्स हमारे सेक्रेटरी सुरेश शांति सर को और गौरव सर को देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और हमें जो सॉफ्टवेयर फेडरेशन में खेलने में मुझे फेडरेशन कप के जो मैच रहते हैं उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, सारे देशों से खेलने को मिला और इस बार काफ़ी अच्छा रहा, 5 मेडल जीते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कौन सा ऐसा मैच जो याद हो या मैच के जो एक्सपीरियंस है? वर्ल्ड नंबर 1 से मेरा सिंगल्स था कोरिया सेमीफाइनल, मैं काफ़ी अच्छा खेली, उसमें सेटिस्फैक्शन था, कुछ गलती हो गई इसलिए मैं हार गई, पर अगली बार उनको हराएंगे और अच्छा मौका मिला उनसे। अब आगे की क्या तैयारियां हैं? एशियन गेम्स आ रहा है अगले साल, तो उसकी तैयारी है कि उसमें गोल्ड मेडल जो लोग सॉफ्ट टेनिस में करियर बनाना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? मैं बस यही बोलना चाह रहा कि अपने दिमाग से रखिए और पूरी मेहनत कीजिए, मेडल अपने आप आएगा। किस तरह से टूर्नामेंट की तैयारियां? एक्चुअली मैं ये टूर्नामेंट की तैयारियां लगातार पिछले कई सालों से चल रही हैं और इसके लिए विशेषकर देवास में हमारे जो सॉफ्ट टेनिस के सेक्रेटरी हैं सुरेश शांति सर, उन्होंने और जो सॉफ्ट टेनिस के कोच हैं गौरव कदम सर, उन्होंने आद्या को और पूरी FB टीम के प्लेयर्स को जिनका सिलेक्शन हुआ था थाईलैंड के लिए उनको 8-8, 10-10 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग दी थी और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है देवास में सॉफ्ट टेनिस का, तो वहाँ पर कैंप उन्होंने आयोजित किए थे और उसका एक सुखद परिणाम है कि आद्या ने एक साथ 5 मेडल जीत के देश का गौरव बढ़ाया। मैं भी आद्या के साथ गया था थाईलैंड, मुझे भी सब लोगों ने ये मौका दिया था कि मैं वहां पर जाऊं, तो मैंने देखा कि आद्या ने जो वर्ल्ड चैंपियन थी कोरिया की उसके खिलाफ बहुत शानदार मैच खेला, इसके साथ साथ बाकी जो दूसरे प्लेयर्स थे दूसरे देशों के उनके खिलाफ भी एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए कई ऐसे मैच जीते जिसमें एशियाड प्लेयर शामिल थे, एशियन जिन्होंने मेडल लिया था उन प्लेयर्स को भी आद्या ने हराया है और आद्या ने जो जीवटता दिखाई है, जो अपना खेल का कौशल दिखाया है, मैं उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आगे एशियाड में वर्ल्ड कप में और एशियन चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लाए। Thank you.
शिक्षक दिवस के इस पवित्र दिन पर चाइल्ड केयर अकादमी के प्रांगण में इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय गुरु श्री विजय सिंह जी रघुवंशी जी, वाकई आजकल के समय में ऐसा व्यक्ति भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए, जो शिक्षा देने का, ज्ञान देने का कार्य कर रहा है, उसके लिए समर्पित भाव से कितनी ही तकलीफ, कितनी ही मुसीबत उठानी पड़े, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच में है। मैं जानता हूं आपने बहुत तकलीफ उठाई अच्छी छुट्टी की कार्यकाल में। आदरणीय रघुवंशी जी, आज आरंभ में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं। मैं सचमुच में इतना प्रफुल्लित हूं, इतना प्रसन्न हूं और अपने आप को इतना गौरवान्वित मान रहा हूं कि मुझे एक ऐसी भारत माँ की एक ऐसी बिटिया के बीच में इस नर्मदा जल का गौरव, आध्या तिवारी जिनके समीप बैठकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं, जिनसे बातें करी मैंने, ये हमारा दुर्लभ अवसर है, ये सौभाग्य है कि ऐसी हमारी बिटिया भाई हमारे आदरणीय शर्मा जी साहब ने यहाँ बुलाया उनको और उनसे हमें आज मिलने का मौका मिला। ऐसी हमारी भारत माँ की ये बेटी जिसने भारतीय तिरंगे को और भारतीय राष्ट्रगीत जन मन गण को पूरे विश्व में झंडे के साथ फहराने के काम, अपने काम के साथ फहराने का काम किया। एक पदक मिलना मुश्किल होता है लेकिन इनने कितनी लाई बच्चों, पता है आपको कितना लाए, कितने पदक लाई है अपने देश में? 5, एक गोल्ड, एक रजत और 3 कांस्य पदक। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा गौरव का अवसर है। मैं उस गौरवशाली पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसी बिटिया को अपनी गोदी में खिलाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी। और इससे भी आगे बढ़कर मैं उस माँ को भी प्रणाम करता हूं जिसने 9 महीने इस बेटी को अपने गोद में रखा। सामने बैठी है, प्रणाम आपको। हमारे आदरणीय शर्मा जी जो सदैव ही हमेशा नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से इस शहर को कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं, इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं आदरणीय प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन, आप सबको प्रणम्य भाव से सादर नमस्कार करता हूँ। सम्माननीय पत्रकार बंधु और ये सामने बैठे हैं हमारे भारत का भविष्य, हमारे प्यारे प्यारे बेटे बेटी हैं। सबसे पहले तो इस प्रांगण में उपस्थित साला परिवार के शर्मा जी, प्राचार्य जी और सभी जो हमारे सामने ये बेटे बेटियां खड़े हैं, आपने जो भाव भरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से शिक्षक दिवस अपने आप में एक ऐसा दिन है जहां शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं से भी रूबरू होना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। कई लोग शिक्षक और गुरु ये दोनों चीजों को एक मान लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिक्षक और गुरु एक नहीं है। शिक्षक और गुरु दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। शिक्षक वो होता है
जो आपको सांसारिक ज्ञान देता है, जो आपको विद्या सिखाता है, जो आपके मस्तिष्क में इस समाज में रहने की व्यवस्थाओं के बारे में सिखाता है, प्रेरित करता है आपको। मुझे किसी ने एक शिक्षक का बहुत अच्छा अर्थ बताया था, आप लोग भी सब ध्यान से सुने। शिक्षक का सी शब्द, पहला शब्द सी, शिक्षक यानी शिखर तक ले जाने वाला। कहां तक? शिखर तक। छा, दूसरा शब्द शिक्षक का छा, छा का अर्थ होता है क्षमा करना। जब आप कोई गलती करते हो तो शिक्षक प्रताड़ित भी करता है और क्षमा भी करता है। और का अर्थ होता है कमियां निकालने वाला। आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके आपको श्रेष्ठ व्यक्तित्व में बनाने वाला काम जो है, निखारने का काम जो है, वो शिक्षक करता है। अब आप गुरु की बात करें, एक मायने में गुरु शिक्षक एक है। अभी हमारी बिटिया, वैसे तो इन्हें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इस स्कूल की छात्रा होने का जो उन्होंने दायित्व निभाया अपने शब्दों के माध्यम से, यहाँ कहा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सुना है? बताइए, सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? हाथ उठाओ जरा, किस किसने सुना है? अरे बाप रे, ये हालत है हमारी। ब्रह्मा वो है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिनने हमको और आपको बनाया, ये धरती बनाई, ये आकाश बनाई, हवा बनाई, अग्नि बनाया, जल बनाया, पेड़ पौधे, अन्न, धरती, सब कुछ उनने बनाया, आपको और हमको भी उनने बनाया। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु उन्हें कहते, विष्णु किसको कहते हैं जानते हो आप? विष्णु को नहीं जानते? क्या बात, विष्णु उन्हें कहते हैं जो आपका, हमारा और पूरी सृष्टि का पालन करता है। आपको भोजन भी वही देता है, कपड़े पहनने के लिए जमीन में से कपास भी वही पैदा करवाता है। उनकी पत्नी लक्ष्मी है जो आपको धन दौलत देती है, और अंतिम है महेश। जहां विसंगति होती है, जहां अन्याय अत्याचार होते हैं, वहां उनको संहार करने का काम भगवान शंकर करते हैं, महेश करते हैं। तो क्यों कहा गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश? क्यों कहा? जब आप पहली क्लास में आते हैं तो आपको कुछ पता होता है? कुछ नहीं होता। ABCD भी आपको सिखाया जाता है, छोटा बड़ा भी सिखाया जाता है। आपके मन में, आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो कुछ भी रोपा जाता है, बनाया जाता है, वो काम गुरु करता है। और सृष्टि को बनाने का काम कौन करता है? ब्रह्मा करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया कि आपके अंदर जो कुछ भी निर्माण होना है आपके व्यक्तित्व के लिए, वो कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे गुरु के रूप में। दूसरा विष्णु, विष्णु इसलिए कहा गया है गुरु को, शिक्षक को, कि जो रोपा लगाया ब्रह्मा जी ने आपके मन में, आपके हृदय में, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको संस्कार दिए, वो संस्कार कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उन संस्कारों को स्थायी रूप से आपके मन में जमाने का काम, यानी पालन करने का काम कौन करता है? विष्णु भगवान के रूप में गुरु करता है। फिर तीसरा, भगवान शंकर महेश, जो ब्रह्मा जी ने यानी गुरु ने आपके मन में रोक दिया ज्ञान, जो विष्णु भगवान ने पालन कर दिया आपका, उसको संभाल दिया, उसको बचा दिया, उसको सुरक्षित कर दिया, और अगर उसके आसपास कोई अवांछनीय वस्तु आ गई, अज्ञान आ गया, दुर्गुण आ गए, बुराई आ गई, तो उनको मिटाने का काम कौन करता है? विनाश करने का काम कौन करता है? भगवान शंकर करते हैं। और शंकर के रूप में कौन करता है? गुरु करता है।
इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है गुरु। आज मन में एक थोड़ी सी पीड़ा हुई जब 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 मैंने आपसे कहा कि आप ब्रह्मा जी को जानते हो, यह हमारा दुर्भाग्य है, क्षमा चाहता हूं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा एक बात बताओ, आपका जन्म कहाँ हुआ बताइए, बताइए कहाँ हुआ आपका जन्म? अरे भारतवर्ष में हुआ क्या नहीं, होशंगाबाद जिले में हुआ क्या नहीं, सिवनी मालवा में हुआ क्या नहीं, सिवनी मालवा और आसपास के गांव में हुआ क्या नहीं? तो ये सब कहाँ है सिवनी मालवा और आसपास के गांव? भारत में ही है ना। जिस भारतवर्ष के बेटे बेटियां इस भारत को पालने वाले, निर्माण करने वाले और संहार करने वाले भगवान का नाम याद न कर पाए, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य। ये मंच शिक्षकों का सम्मान करने का मन, मुझे भूलना नहीं चाहिए यहां से। लेकिन आदरणीय गुरुजन भी यहां उपस्थित हैं। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजी के पीछे पागल हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पागल हो रहे हैं, और उस पागलपन में ऐसा ना हो कि कल हमारे सामने कोई हमारे पिताजी को लाकर खड़ा कर दे और आपसे कहे कि ये कौन है जरा बताओ। क्योंकि जन्म लेते से ही 2 साल के अंदर तो बच्चे को विदेश भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो पहचानेगा कैसे आपको? तो फिर यही होगा कि हम अपने पिताजी को भी नहीं पहचान पाए। सारे धर्मों में उनके जो मदरसे होते हैं, गिरजाघर होते हैं, क्राइस्टों के स्कूल होते हैं, आप देखिए कहीं भी इन लोगों को जब आप देखते हो तो उनके साथ साथ जो एजुकेशन चलता है इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके धर्म की बात जरूर करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम धर्म को भी साथ में थोड़ा थोड़ा विकास क्लास लगा लिया करें। महीने में मैं सभी स्कूलों में बोलता हूँ, यहीं से मतलब नहीं है, कम से कम बच्चे अपने बारे में जाने दो। आजकल मोटिवेशन का काम बहुत चल रहा है। हमारे बाप दादों के भी बाप दादे न मालूम कितनी पीढ़ियां निकल गई, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले मोटिवेशन कर दिया था आपका। मैं आपको लिखाऊंगा अभी, बालकों में क्या होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम, एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षण। जिस विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन कौन सा? काक चेष्टा, आपने अपने स्कूल में किताबों में एक कहानी पढ़ी होगी, एक कौआ था, उसको एक बार बहुत जोर से प्यास लगी, उसे एक मटका दिखाई दिया, उस मटके के पास वो गया, देखा उसमें पानी तो था लेकिन बिल्कुल नीचे था, पेंदे में पानी था। कौए ने दिमाग लगाया, उसमें छोटे छोटे कंकर लाकर डालना चालू कर दिया, जब वो पूरा मटका कंकर से भर गया तो पानी कंकरों के कारण ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो काक चेष्टा, निरंतर अपनी पढ़ाई में भी आप काक की चेष्टा करते रहो, कौए के समान लगे रहो, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास। बको ध्यानम, दूसरी विशेषता, बगुले को देखा आपने, जब वो मछली का शिकार करता है तालाब में या नदियों के किनारे, तो बगला क्या करता, बिल्कुल साधु संत जैसा एकदम ध्यान लगा के खड़ा हो जाता है, एक पैर पर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही कोई मछली दिखी उसको सामने पट से उसने, तो बगले की तरह ध्यान लगाना सीखना चाहिए हमको। स्वान निंद्रा तथ्य विषय, आपने कुत्ते को सोते देखा, स्वान निंद्रा, कुत्ता जब सोता है और उसके पैर के पास से, उसके बाजू से आप निकले और जरा से आपके पैर की आहट हुई तो तत्काल खड़ा होकर उठकर खड़ा हो जाता है,
जब आप पढ़ाई करें तो आपकी नींद उसके समान होनी चाहिए, अगर नींद लग रही बार बार तो भी हम उसके समान तत्काल उठकर खड़े हो जाएं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ताक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेप से अल्पाहारी सदाचारी। जब आपकी परीक्षा हो, जब आप पढ़ाई करते हो, उस समय आपका भोजन कम होना चाहिए, अल्पाहारी, क्योंकि ज्यादा भोजन करोगे तो आलस आएगा और नींद आएगी। और सदाचारी, सदाचारी कौन? जो अपने विद्यालय के अनुशासन का पूर्णतः पालन करे, जो अपने परिवार में अपने माता पिता, परिवार के सभी बड़े लोगों को, सब रिश्तेदारों का सम्मान करे, आदर करे, जो जब शाला में आए तो अपने गुरुओं की बात माने, उनको आदर और सम्मान करे, तब कहीं जाकर वो सदाचारी बनता है। तो ये पांच लक्षण हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जिस विद्यार्थी में पांच लक्षण होते हैं वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होता है और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कभी कोई गड़बड़ी आ नहीं सकती। कहने को बहुत कुछ है लेकिन गर्मी भी आपको बहुत लग रही है, अभी हमें और गुरुजनों का सम्मान करना है। इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी आदरणीय शर्मा साहब ने और आदरणीय रघुवंशी जी ने जब हम लोग ऑफिस में बैठे थे बात निकाली कि आज वो सम्मान क्यों नहीं है, हम विचार करने का, ये हमारे प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, बार बार मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर वो समय क्यों नहीं आता दोबारा लौट करके जब हम बड़े सम्मान के साथ गुरु जी का आदर करते थे। अगर गुरु जी सामने ऐसे आ रहे होते थे तो हम साइड की गलियों से निकल के भागने की कोशिश करते थे, अगर गुरु जी आ रहे देख नहीं लेंगे, कहाँ घूम रहे पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, उसका कारण है कहीं ना कहीं ये शासकीय नीतियां। बस 5-7 मिनट में अभी बात समाप्त करूंगा। शासकीय नीति कैसे, जब भगवान राम का समय था, महाराज दशरथ का समय था, जनक जी का समय था, उस समय केवल गुरु हुआ करता था, केवल गुरु, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु याज्ञवल्क्य और ऋषि मुनि हुआ करते थे। युग बदला, त्रेता युग आया तो गुरु की महिमा वहां खत्म होना चालू हुई। कौन बचा? आचार्य बचे, आचार्य द्रोण और भी बहुत सारे नाम। आचार्य क्यों बचे? क्योंकि जो गुरु होता था वो जब अपने आश्रम में बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था, चाहे उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हो, वेदों की शिक्षा हो, पुराणों की शिक्षा हो, वो उन बच्चों के माता पिता से एक रुपया नहीं लेते थे, एक पैसा नहीं लेते थे, बच्चों से मेहनत करवाते थे, उनके आश्रम में गायें होती थी, जमीनें होती थी, खेती बाड़ी करवाते थे, बच्चों से श्रम करवाते थे और उन्हीं से अनाज पैदा होता था, उन्हीं से दूध पैदा होता था, उससे बच्चों का भरण पोषण होता था, वो क्या था? गुरु। इसलिए जब राजा भी जाता था तो खबर भेजता था गुरु के पास कि मैं मिलना चाहता हूँ गुरुदेव से, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हिम्मत नहीं होती थी कि राजा भी चला जाए, आज तो कोई छोटा सा पार्षद भी हो, उसको किसी स्कूल में जाना हो तो वो भी चला जाता, धड़धड़ा समझा कहाँ है प्रिंसिपल, बुलाओ। ये अवनति क्यों हो रही है, क्यों हुआ ये सब? मैंने कहा ना कि गुरु से क्या हुए, आचार्य हो गए। आचार रहे भाटक भी ठीक था, लेकिन आचार से क्या हो गए, प्राचार हो गए। अब जैसे प्राचार्य विराजमान, प्राचार्य, प्राचार्य का अर्थ ये होता है कि जो शिक्षा प्रायोजित करता है। हमने स्कूल खोल के रखा है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हजारों लाखों स्कूल चल रहे हैं, स्कूल खोल के रखा है, हमारी ये फीस है, हमारी ये टर्म है, हमारी ये कंडीशन है, आप अपने बालकों को भेजें हम उनको पढ़ाएंगे, 11 से 5 के बाद हमारी कोई जवाबदारी नहीं, पढ़े नहीं। चाइल्ड केयर में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये तो अपने आप में सुनी मालवा का एक बहुत ही सुंदर विद्यालय है। क्या हो गए? प्राचार्य हो गए। प्राचार्य से और नीचे उतरे तो क्या हो गए? प्रोफेसर। प्रोफेसर का अर्थ होता क्या होता?
जो व्यक्ति पढ़ाई कराने का प्रोफेशन करता हो, व्यवसाय करता हो, उसको प्रोफेसर कहते हैं। फिर क्या हुए, लेक्चरर, कोई मतलब नहीं विद्यार्थियों से, एक घंटे का समय है कॉलेज में, स्कूल में आए, जो विषय है उस पर लेक्चर दिया और घर। बच्चा बाद में क्या कर रहा, किसी कोई मतलब नहीं। फिर क्या हुए, उसके बाद हमें फिर शिक्षक, शिक्षक तक भी ठीक था, उससे वो नीचे उतरे। ये दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा पद्धति का, शिक्षा प्रणाली का, इस देश का। तो क्या बन गए, शिक्षा कर्मी बने, नहीं बने सब बताओ। शिक्षा कर्मी बन गए और उससे नीचे उतरे संविदा शिक्षक बन गए। ये अवनति हुई ना, कहां गुरु से और कहां आ गए हम संविदा कर्मी, संविदा शिक्षक। एक जरूर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अतिथि शिक्षक, अतिथि मतलब बड़े सम्मान के सामने उनको बुला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बकत नहीं है अतिथि। तो ये अवनति का कारण है जो आज हमको लोग, हमारे देश की शिक्षा पद्धति गड़बड़ होती है। बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब कुछ अपने टाइम निकालकर, पढ़ाई में आजकल वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं आप, लेकिन कुछ समय निकालकर अपने धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा करें, ताकि अपने इतिहास के बारे में हमको जानकारी हो, और इतिहास की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से हम उसी प्रकार से गुरुओं का सम्मान कर सकेंगे जो रामायण काल में या महाभारत काल में हुआ करता था। अंत में गुरु का सम्मान क्यों जरूरी है, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार, कुमार देखा ना, जो दिए बनाता है, मटके बनाता है, देखा ना सबने, कुमार नहीं देखा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारत चोट। गुरु वो होता है, इसलिए आवश्यक है हमें अपने जीवन में कुछ बनना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है। देश में हमारी बेटी आध्या जैसे विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने झंडे को सम्मान दिलाना है, अपने राष्ट्रगान को सम्मान दिलाना है। तो ये जो हमारे बाप दादाओं की कहावतें हैं, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पर हम चलें। आधुनिकता बुरी नहीं है, इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, संसार की सारी भाषाओं का ज्ञान हमको होना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो उनको ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी नहीं आती थी उनको, लेकिन अपने उद्बोधन में क्या कहा था उन्होंने वहां धर्मसभा में, भाइयों और बहनों, ये भारतीय संस्कृति, और गुरु हमको यही सिखाता है, शिक्षक हमको यही सिखाते हैं। पुनः सभी गुरु के चरणों में वंदन, शाला प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और बेटे बेटियों से अनुरोध है कि अगर मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो तो उसे अपने मन में ग्रहण करें, और अगर ऐसा लगा हो कि मैंने बोर किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।